हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा के बारे में। कनाडा स्टडी वीजा के बारे में जब भी कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपनी फाइल लॉन्च करने के बारे में सोचता है तो उसके माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उसको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए जो उसकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलेवेंट भी हो और उसमें प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी भी नजर आना चाहिए। वीजा ऑफिसर जब भी आपकी फाइल को प्रोसेस करेंगे तो दो मेन फैक्टर जो आपके कोर्स ऑफ सिलेक्शन में वो चेक करते हैं कि आपका जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए, क्या वो आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ या प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ रेलेवेंट है या नहीं है। सेकंड जो मेन फैक्टर वो चेक करते हैं जिसमें प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। ये दोनों मेन फैक्टर अगर आपने माइंड में रखे जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे थे तो 100% आपके वीज़ा के चांसेस 20-30% इंक्रीज हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर की। अगर आपने आउटसाइड कनाडा यानी कि कनाडा के अलावा किसी अदर कंट्री से बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर किया है तो आपको कौन से कोर्स कनाडा में मिल सकते हैं, किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, जहां पर मैं आपको लेवल भी साथ में बताऊंगा कि बैचलर करने के बाद अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, पीजी डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर का, 2 ईयर का पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री। ये तीन ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी लेवल का कोर्स चूज़ कर सकते हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो बच्चे कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने कोर्स को फाइंड आउट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से कोर्स कनाडा में अवेलेबल है बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर करने के बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये कोर्स भी आप ले सकते हो कनाडा में। इसके बाद प्लांट साइंस का प्रोग्राम आपके लिए वहाँ पर मिल जाएगा, फूड साइंस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सोयल साइंस का भी प्रोग्राम आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रोग्राम वहाँ पर अवेलेबल है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम भी आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये प्रोग्राम भी आपके रेलेवेंट है, आप इस प्रोग्राम को भी चूज़ कर सकते हो, फॉरेस्ट्री का भी प्रोग्राम आप ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम भी आप ले सकते हो। इसके अलावा जो अनदर दो तीन फील्ड अगर आप जाना चाहते हो जैसे बी कीपिंग है, कमर्शियल बी कीपिंग का प्रोग्राम भी वहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप फिशरिंग में जाना चाहते हो तो फिशरिंग का प्रोग्राम भी वहाँ पर है। इसके अलावा एक्वाकल्चर का प्रोग्राम वो भी फिशरिंग के रिलेटेड ही आता है, अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो इस तरह के प्रोग्राम भी आप लेके जा सकते हो। इसके अलावा जो कॉमन प्रोग्राम है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आप ले सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम आपके पास है। तो टोटल 12 से 13 ऑप्शंस आपके पास मिल जाती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का प्रोग्राम आप ले सकते हो, प्लांट साइंस का प्रोग्राम आप ले सकते हो, सोयल साइंस का प्रोग्राम आप ले सकते हो, फूड साइंस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आप ले सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रोग्राम आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का प्रोग्राम आप ले सकते हो, फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अलग से भी एक प्रोग्राम है वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम आप ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम आप ले सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम आप ले सकते हो। इसके अलावा जो अलग से फील्ड है जैसे फिशरिंग में अगर आप बात करें आप फिशरिंग का प्रोग्राम ले सकते हो, एक्वाकल्चर का प्रोग्राम आप ले सकते हो, साथ के साथ आप कमर्शियल बी कीपिंग में भी जा सकते हो। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कॉमन प्रोग्राम है उसको भी आप ले सकते हो, MBA में भी आप जा सकते हो। ये सभी प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप जा सकते हो, अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में, हर एक प्रोविंस में लगभग सबसे ज़्यादा जो आपके कोर्स हैं वो ओंटारियो और अल्बर्टा में हैं। इसके अलावा अदर प्रोविंसेस में जैसे BC में भी आपको कुछ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।